नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्नेक लवर किचन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का रेस्क्यू कार हमें ग्राम एलिया मॉल से आया हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ की कंडीशन। यहाँ पे दोस्तों एक इंडियन रॉक पॉइथन देखा हुआ था। आप देख सकते हैं दोस्तों हम मौके पर पहुँच चुके हैं। ये एक इंडियन रॉक पॉइथन है जिसे हम अपनी भाषा में अजगर कहते हैं। दोस्तों ये काफ़ी ख़तरनाक होता है। दोस्तों ये जब भी बाइट करने के मूड में होता है दोस्तों ये एस जैसे आकार का बना लेता है अपने आप को और स्पीड से हमला करता है दोस्तों किसी भी शिकार पे। हमला करने के बाद दोस्तों ये उसे पूरी तरह से लपेट लेता है और उसका दम घोट देता है दोस्तों। और जब उसके दम घोटने के बाद शिकार मर जाता है दोस्तों उसी के बाद ही उसे निकलना चालू करता है। कभी कभी जिंदे को भी निकल जाता है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों ये पहली बार का रेस्क्यू है। दोस्तों कभी ज़िंदगी में मैंने इसे रेस्क्यू नहीं किया है, आज पहली बार हमें मिला है दोस्तों 3 से 4 सालों में। आप देख सकते हैं किस तरह से आराम फरमा रहा है। चलिए दोस्तों इसे थोड़ा सा छेड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये कितना आक्रामक होता है। काफ़ी ख़तरनाक मंजर है दोस्तों, ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों इसे छेड़ के देखते हैं कि कितनी दूर तक इसकी स्ट्राइक रेंज होती है, कितनी दूर तक ये वार कर सकता है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे गाय भैंसों के लिए चारा रखा हुआ है। इसी पे दोस्तों ना जाने ये कहाँ से आ चुका है दोस्तों, ये काफ़ी रेयर है हमारे इधर क्षेत्र में। चलिए दोस्तों इसे छेड़ते हैं एक बार फिर से। आप देख सकते हैं दोस्तों ये काफ़ी लंबाई है दोस्तों, 8 से 10 फीट तक की, और ये काफ़ी तेज रफ्तार से दौड़ भी सकता है दोस्तों क्योंकि ये काफ़ी छोटा है अभी। दोस्तों इसकी फुल लंबाई होती है 18 से 19 फीट तक की। आप देख सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक है दोस्तों और काफ़ी मजबूत है दोस्तों, वो काफ़ी इसमें ताकत भी है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसकी जो ग्रिप है दोस्तों बहुत ही काफ़ी मजबूत है, सांप के मुकाबले बहुत ज़्यादा है दोस्तों इसकी ग्रिप। ये दोस्तों देख सकते हैं आप, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी दोस्तों इसे पकड़ना नामुमकिन लग रहा है। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ है, इसी के अंदर ये चला गया है। आप वीडियो में बने रहे दोस्तों, इसका रेस्क्यू करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसको रेस्क्यू करने के बाद दोस्तों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के को हैंडओवर कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे दोस्तों काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी लकड़ी वगैरह काफ़ी क्रिटिकल जगह में है दोस्तों, वो उसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जब भी दोस्तों ये अटैक करता है ये मानते हैं दोस्तों कि ये जहरीला नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई जहर नहीं होता है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि इसके जो टीथ होते हैं दांत होते हैं दोस्तों वो अंदर की तरफ हैं होते हैं जो शिकार को निगलने में इसकी मदद करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सावधानीपूर्वक इसे रेस्क्यू करना पड़ेगा। आप वीडियो में बने रहे दोस्तों। जिस तरह से दोस्तों ये फंसा हुआ है निकलने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसे निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। काफी विशाल अजगर है दोस्तों ये, लेकिन अभी बच्चा है दोस्तों।
इसका मुख्य भोजन होता है दोस्तों बकरी, सांप और भी दोस्तों जो गाय भैंस इनके जानवर होते हैं छोटे छोटे, उनके बच्चों को निकल जाता है ये। आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ऐसे कामों में और काफ़ी रिस्क होता है। आप देख सकते हैं काफ़ी खींचने के बाद भी दोस्तों ये नहीं निकल पा रहा है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें दोस्तों। और जब भी ऐसा कौन सांप आपके घर में निकलता है दोस्तों स्क्रीन पर चल रहे हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। काफ़ी भारी भरकम का सांप है दोस्तों ये और काफ़ी वजनदार है। चलिए दोस्तों इसे निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, आप वीडियो में बने रहे दोस्तों। इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई दोस्तों, अब इसे ले चलते हैं हम किसी जंगल झाड़ी की ओर। काफ़ी खतरनाक मंजर है दोस्तों, ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात यह है कि किसी पे हमला नहीं किया है दोस्तों इसने। और दोस्तों आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए दोस्तों इसे इसका हेड कैच करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसे ले चलते हैं बाहर, काफ़ी जिद्दोजहद काफ़ी मेहनत करने के बाद दोस्तों इसका रेस्क्यू कर लिया गया है। अब इसे ले चलते हैं दोस्तों किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इंसानों का आना जाना ना हो, जहाँ पे कोई जानवर भी ना आ जाए, ऐसी जगह पे इसको रिलीज़ करेंगे दोस्तों हम। फिर दोस्तों आगे ले चलते हैं और दिखाएंगे दोस्तों इसके बारे में और भी आपको जानकारी देंगे दोस्तों। ये शायद हमारी ज़िंदगी में हमारा पहला रेस्क्यू है अजगर का, जिसे इंग्लिश में रॉक पाइथन बोलते हैं, इंडियन रॉक पाइथन। काफ़ी वजनदार है दोस्तों ये। आपको और पास से दिखाते हैं दोस्तों उसकी बनावट कैसी होती है, इसका पैटर्न कैसा होता है आप देख लीजिए। इसी तरह का दोस्तों एक सांप होता है रसल वाइपर, वो भी दोस्तों 3 से 4 फीट तक जंप करके काटता है, लेकिन उसकी बनावट और उसके पैटर्न में दोस्तों काफ़ी चेंज है। आप देख सकते हैं इसकी बनावट किस तरह से बनाई हुई है कुदरत ने। बोलते हैं ना दोस्तों अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। हर जीव को दोस्तों जीने का अधिकार है, किसी भी जीव को ना मारे। और ऊपर वाले ने सबके लिए दोस्तों अलग अलग भोजन बनाया हुआ है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों इन जीवों को ना मारें, ये हम बचाएं, ये प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन्हें बिल्कुल भी मारने की कोशिश ना करें दोस्तों, ये तो बेजुबान होते हैं। चलिए दोस्तों इसका रेस्क्यू कर लिया गया है।
अब इसे करते हैं पैक और ले चलते हैं किसी ऐसी सुनसान जगह पे जहाँ पे इंसानों का आना जाना ना हो दोस्तों। जब किसी जंगल झाड़ी में ले चलते हैं वहीं पे दोस्तों इसको रिलीज़ करेंगे। आपको रिलीजिंग वीडियो भी दिखाएंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये आ चुके हैं दोस्तों हम इसे जंगल में रिलीज़ करने के लिए। आप देख सकते हैं इसकी स्पीड दोस्तों काफ़ी ख़तरनाक। इसका बाइट जो होता है दोस्तों काफ़ी दर्दनाक होता है, काफ़ी पीड़ामय होता है। ये देख सकते हैं दोस्तों ये उसके काटने का फुल जिसे कह सकते हैं हम सिचुएशन। ये अब काटने के मूड में आ चुका है दोस्तों। उसके शरीर को देख सकते हैं एस बना लिया इसने। ये देख सकते हैं दोस्तों जब भी ये काटने की फिराक में रहता है तो इसी प्रकार एस बनाता है। चलिए दोस्तों इसे करते हैं आज़ाद। ये दोस्तों एक पेड़ पर चढ़ चुका है, धीरे धीरे चढ़ रहा है पेड़ के ऊपर। इसे करते हैं हम यहीं पे आज़ाद दोस्तों, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेजुबान को बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय श्री कृष्ण। अगर हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक ज़रूर करें, और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।